हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीनूज जर्नी इन यूरोप। हरे राम हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कृष्णा वैली, जो हंगरी देश का एक हिंदू गांव है। वहां जाने के लिए पहले हम लोग बुडापेस्ट से कैलेंडफोल स्टेशन से ट्रेन ली। इसके बाद हमें दूसरी ट्रेन भी चेंज करनी होगी और ये स्टेशन का नाम है जहाँ से हमने चेंज किया दूसरी ट्रेन। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए और यहाँ पहुँचने में हमें 3-3.5 घंटे लग चुके थे टोटल स्टार्टिंग से। बस स्टॉप है जहाँ हम उतरे थे। अब यहाँ से हमें बाय कैब भी जाना है। तो हमारी कैब पहले से आ चुकी थी क्योंकि हमने बुक पहले से करके रखा हुआ था। ये कृष्णा वैली की डिप्यूटीज है जो हमें लेने आए हुए थे। कृष्णा वैली जाने के लिए आपको बाय कैब ही जाना होगा क्योंकि वॉक करना इतना ईजी नहीं है, काफ़ी दूर है। क्योंकि मैं 15 मिनट तो पहुँचने में लग ही गए थे बाय कैब। और कृष्णा वैली का एक पेज है जहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, वहाँ जाके ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से एंट्री है, तो हमें सबसे पहले एंट्री फी पे करनी होती है अलग से। हंगेरियन में इसे कृष्णा ब्लॉगी भी कहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है यहाँ का, एकदम ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पे आप समर पिकनिक भी फैमिली के साथ आके कर सकते हैं। तो ये मंदिर बहुत ही पुराना है, 1993 में इसकी स्थापना शिव रामा स्वामी के द्वारा की गई है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और इसके दोनों साइड पे 2 मंदिर बने हुए थे छोटे छोटे। वहां जाके देखा मैंने कि अरे ये तो देवी जी का मंदिर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। और दूसरे साइड पे शिव जी का मंदिर है जहां शिवलिंग रखे हुए थे। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के लिए बना हुआ है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। अगर आपने स्टार्टिंग में फ़ी पे कर दी है, जैसे कि मैंने बताया था कि वहाँ पे अलग से फ़ी पे करनी है, तो यहाँ पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और एंटर करने के टाइम यहाँ तुलसी भी रखी हुई थी, तो हमने एक तुलसी खाई और ये यहाँ बहुत कम खाने को मिलती है हमें। बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा है राधे कृष्ण जी का। और इन्होंने रेड एंड वाइट कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रेस पहनी हुई थी, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और मंदिर के चारों तरफ कृष्ण जी की लीलाएं बनाई हुई हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। और यहाँ पे समय समय पर हिंदू फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उस टाइम अगर आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ आके। यहाँ पर इनका खुद का किचन भी है जहाँ पे आपको इंडियन फूड खाने को मिल सकता है वेजिटेरियन, तो उसका भी आपको अलग से पे करके खाना होगा। यहाँ पे इनकी खुद की शॉप है जहाँ पे तुलसी की मालाएं, सोवीनियर, कपड़े, पूजा का सामान काफ़ी कुछ था। तो यहाँ जब भी आप आए तो अपना पूजा का सामान भी ले जा सकते हैं यहाँ से। इन केस अगर आप अपना खाना लेके आते तो यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, बाहर कहीं भी जा सकते हैं खाने के लिए। और हम लोग ने अपना खाना लेके आया हुआ था, तो हमने बैठ के यहाँ खाना खाया। जय कन्हैयाला। और यहाँ देखा कि मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर भी बनाए हुए हैं, तो आदर्श वहाँ जाके पैर पड़ने लगा। कृष्णा वैली का एरिया जो है वो 660 एकड़ में बना हुआ है। इसके बाद फिर एक कृष्णा वैली की डिवोटी आई हुई थी, जिन्होंने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी कि मंदिर की देखरेख कैसे करते हैं। और उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे बाहर से कुछ भी नहीं लेते हैं, सब कुछ यहीं लगाते हैं, जैसे कि सब्जियाँ, फल, अनाज, सब कुछ। और इस एरिया को उन्होंने गोवर्धन पर्वत के नाम से बताया है। तो कृष्णा वैली को एक इको फार्म के नाम से भी यहाँ पहचाना जाता है। और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी भी बाहर से नहीं लेते हैं, सारे घरों में सोलर पावर लगा हुआ है, उससे ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर चले गए खेत की तरफ। हम लोगों ने देखा कि वहाँ क्या क्या लगा हुआ है। और यहाँ पे इनके कुएँ हैं, तो वो वहाँ से पानी यूज़ करते हैं, मतलब ये बाहर से कुछ भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी और धनिया, पालक। तो देखा जाए खाना पानी से लेकर बिजली तक ये पूरा तरीके से आत्मनिर्भर है ये गांव। फिर इसके बाद हम लोग गौशाला जाने का रास्ता देख रहे थे, तो मैं यहाँ देख रही थी कैसे कैसे जाना है।
ये बहुत ही बड़ा हिंदू गांव लग रहा है मुझे तो देखने में, क्योंकि काफी कुछ घूमने के लिए है यहाँ पे। मंदिर से आई थिंक 1 किलोमीटर तो दूर है गौशाला। फिर यहाँ पे सामने फ्रंट में घंटी बनी हुई थी, तो पहले वो बजाया फिर एंटर किया, और एंटर करने के सबसे पहले यहाँ गाय की सारी पिक्चर्स एंड नाम दिए हुए थे, तो वो हमने सारे पढ़े। तो सारे देवियों के नाम थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। तो उन्होंने बताया कि बच्चे से लेके बड़े तक ये गाय की सेवाएँ करते हैं और इन्हीं के सहारे ही खेती करते हैं ये। तो थोड़ी सी सेवा हमने भी की वहाँ पर गाय की, उनको चारा खिला दिया था। फिर थोड़ा हम फ्रेंड्स लोग मस्ती करने लगे थे, तो यहाँ मस्ती चल रही और सारे बच्चों को एक गाड़ी में बिठा दिया था और सब लोग गाना गा रहे थे कि दर्ज की गाड़ी चली पीप पीप पीप। तो हम लोग को फिर बचपन की याद आ गई कि हम भी ऐसे ही करते थे, और यहाँ तुषार भैया बिल्ली के बाजू में लेटे हुए थे, वो देख के और मज़ा आ रहा था। यहाँ अगर आप रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी इन्होंने बनाई हुई है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं आप। फिर हम लोग चले गए लेक साइड, जो कि एक छोटा सा लेक है, बट इसको यहाँ पे यमुना रिवर के नाम से इन लोग बोलते हैं, और इसी पानी को क्लीन करके यूज़ करते हैं। ये यहाँ का गुरुकुल है और यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो यहाँ के सारे बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा भी पढ़ाया जाता है, और सारे बच्चे स्कूल के बाद गौशाला में जाके गाय की सेवा भी करते हैं। तो ये रहा कृष्णा वैली, और ये हंगरी देश का एक सत्ययुग हिंदू गाँव है, और यहाँ इसे वृंदावन भी बोलते हैं, क्योंकि वैसे ही तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हमने, और एक अपना जो इंडियन कल्चर है उसे हमने यहाँ आके फील किया। तो आप सब भी जब भी आएँ तो यहाँ पे आके खूब इन्जॉय करिए। तो रिटर्न के टाइम में भी वही डेबोटीज एंड कैब हमें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। आर्यदेव इज द पर्सन हु ही ड्राइव अस टू द कृष्णा वैली एंड इज वेरी नाइस टुडे, लाइक वेरी नाइस ग्रुप एंड थैंक यू एंड वेलकम अगेन। हरे कृष्णा, हरि बोल।